मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएक्सी भवन के मीटिंग हॉल में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किए तथा उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएक्सी भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देश दिया। इस संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए जाने के निर्देश दिए हैं तथा सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को जागरूक करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य सेतु ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता है तो उसको कैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, कोई पेशेंट है तो उसको तुरंत मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और कोई बाहर का व्यक्ति शहर में आया है तो उसका मेडिकल चेकअप करवाने के बाद होम क्वारंटाइन रहना चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक ग्रामीण विपिन सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, चलो भाई हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी महाराज जी ने सारे माननीय सांसद विधायक से बैठक करके यहाँ पर यह कोरोना के लिए ही आप जागरूक करने के लिए पब्लिक को कि आप लोग गांव में जाइए और पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताइए कि वही सबसे इलाज है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोगों को समझाने का प्रयास किया, वही हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा करके और जनता के बीच में कहेंगे और मास्क वितरण से लेकर सैनिटाइजर वितरण के लिए सब लोग सारे विधायक सांसद की जिम्मेदारी तय की गई, वो लोग अपने ढंग से अपने क्षेत्रों में इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने बात किया कि कोरोना से कैसे फाइट करेंगे, कैसे ग्रामीण तक हम लोग ये बात बताएंगे कि ये इसकी ना वैक्सीन है ना इसकी कोई दवा है और कैसे हम लोगों को बचना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग एक दूरी बना के एक गज की दो गज की चलें और कैसे मास्क हमेशा रखें, हाथ धोते रहें और इसके बारे में हम सारे जितने भी
विधायक गण या सांसद गण हैं, सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति से ये बात की जानकारी देनी है। और फिर वो भी बात हमने की कि कैसे यहाँ पर एक ऐप ऐसे डाउनलोड हो जाए कि जहाँ पर पता चले कि कहाँ बेड अवेलेबल है, यहाँ कहाँ पर ब्लड की मात्रा कहाँ पर कितनी है, वो सारी बातें हुई और बड़ा अच्छा अच्छा तर्क वितर्क हुआ। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी, हम लोगों की भी बातें बहुत अच्छे से आज मुख्यमंत्री जी ने सुनी और सबकी बातों को लिया गया संज्ञान में कि कैसे इमरजेंसी में कोई क्या कोई भी पेशेंट आता है तो उसके लिए क्या सुविधा हो, ये ना कि उसको लौटाया जाए कि कोविड-19, लेकिन कोई कोविड-19 का पेशेंट है तो उसको तुरंत कोविड-19 में दाखिल होना चाहिए, ये ना कि जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री जी या कोई और भी राज्य में जैसा था कि आप घर में रहें। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी हम सब लोगों को कि अगर वो कोविड का पेशेंट है, कोरोना का पेशेंट है, तो उसको कोविड अस्पताल में जाना ज़रूरी है और होम क्वारंटाइन, अगर वो नेगेटिव है तो होम क्वारंटाइन 14 दिन रहे, ये भी रहे, लेकिन जहाँ पर ये लक्षण पाए जाते हैं तुरंत उसका इलाज होना चाहिए और अस्पताल में इलाज होना चाहिए, ना कि घर में इलाज होना चाहिए।